और एक बेहद बड़ी खबर, ताइवानी फाइटर जेट ने चीनी विमान को खदेड़ा है। चीन के Y-8 एयरक्राफ्ट ने सीमा का उल्लंघन किया। चीन कई बार कर चुका है ताइवान सीमा में घुसपैठ और एक बार फिर से ताइवान की सीमा में चीन ने घुसपैठ की है। चीन के Y-8 एयरक्राफ्ट ने सीमा का उल्लंघन किया है और यकीनन इस बार भी ताइवान चीन को करारा जवाब देगा। तो चीन से जंग के लिए तैयार है ताइवान। कई बार ताइवान की ओर से ये साफ किया जा चुका है कि चीन भूल करके भी ये ना सोचे कि वो ताइवान पर किसी तरह से कब्जा कर लेगा, क्योंकि हम पूरी तरीके से सक्षम और मजबूत हैं। जिस तरह से चीन बार बार ताइवान की सीमा में घुसपैठ कर रहा है, इससे लगता है कि अब अगली जंग चीन और ताइवान के बीच होनी तय है। एक तरफ अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जंग छिड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर चीन और ताइवान में भी जंग जैसे हालात बने हुए हैं। किसी भी वक्त दोनों देशों के बीच जंग छिड़ सकती है। और अब बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी से जुड़ी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया कोरोना पॉजिटिव है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मिलिट्री अस्पताल में एडमिट है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वॉल्टर रीड अस्पताल में एडमिट हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये देखिए, जब एडमिट होने के लिए पहुंचे हैं डोनाल्ड ट्रंप, उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ट्रंप ने साथ ही यह भी कहा कि बहुत जल्द ठीक होकर वापस लौटूंगा। ये देखिए तस्वीर, चुनाव प्रचार में जबरदस्त समर्थन मिला है। आपको याद दिला दे, 3 नवंबर को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होना है और फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट भी हमने आपको दिखाई थी, और अभी 2 डिबेट्स भी इस अक्टूबर में होने बाकी है। लेकिन इसके पहले ही डोनाल्ड ट्रंप पॉजिटिव हो गए, कोरोना पॉजिटिव, और साथ ही साथ उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव हुई है। और अस्पताल में, मिलिट्री अस्पताल में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का इलाज जारी है। तो अभी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई है जब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी अस्पताल में एडमिट होने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि ट्रंप और पत्नी मेलानिया को लेकर क्या कहता है व्हाइट हाउस का मेडिकल बुलेटिन, वो भी जानना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति ट्रंप और पत्नी मेलानिया कोरोना पॉजिटिव है। राष्ट्रपति ट्रंप को हल्का बुखार और खांसी की शिकायत है। कोरोना से बचने के लिए दवाइयां दी गई हैं दोनों को। वॉल्टर रीड हॉस्पिटल में फिलहाल दोनों को एडमिट कराया गया है। मेलानिया व्हाइट हाउस में सेल्फ आइसोलेट है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो अस्पताल में एडमिट है, लेकिन बताया जा रहा है उनकी पत्नी मेलानिया के बारे में कि वो होम आइसोलेशन में है। अब आगे की बड़ी खबर क्या है, चीन की एक और नई साजिश उजागर हुई है, ये जानने के लिए समीर अब्बास का रुख करते हैं। बिल्कुल अंजलि, और चीन का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो ग्रेनेड लॉन्चर से लैस ड्रोन लॉन्च करते हुए जारी किया गया है। ड्रोन को युद्धाभ्यास में किया गया है शामिल। चीन का दरअसल एक और प्रोपेगेंडा वीडियो सामने आया है, और प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए वॉर करने में माहिर है चीन। ये देखिए, एक और वीडियो जारी किया गया है, और खास बात यह है कि यह ड्रोन मिसाइल और गन से भी लैस है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootghar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे फिक्र आपकी